आप सबको स्वागत है। आज हम 7 जुलाई की श्रोतान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम एक ऐसा फल चखें जो कि है सेवा का फल। इंसान आज दुनिया में सेवा करता है, धन दौलत से सेवा करता है, कपड़े देता है, खान पान देता है, रहने की जगह भी दे देता है, उस प्रकार की सेवा करता है, लेकिन वो कुछ समय की सेवा है। हम किसी को भी संतुष्ट कर नहीं सकते 100% ये फिजिकल सेवा देते हैं। इंसान की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उनकी इच्छाओं को अगर भरपूर करना है तो उनको मुझसे जोड़ो, उनको मेरा ज्ञान दो, ताकि वो आत्माएं कहीं पर आकर के रुक जाएं और दुनियावी इच्छाओं से वो मुक्त हो जाएं। तो अगर हम अपने साथियों संबंधी को अगर दुनियावी इच्छाओं से मुक्त कर दें तो हम खुद ही कितने हल्के हो जाएंगे, आप सोचिए ज़रा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। अमर फल प्राप्त करने वाले माया के रोग से मुक्त भव। अगर हम और को मदद करते हैं तो हमारे अंदर माया के रोग, अगर हम किसी को हेल्प करते हैं काम क्रोध लोभ अहंकार के ऊपर जीत पाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमें भी नए नए तरीके मिल जाते हैं परमात्मा के द्वारा काम क्रोध लोभ अहंकार के ऊपर स्वयं भी जीत पाने के लिए, और हायर लेवल्स में जाते हैं और ऊंचे लेवल में हम चले जाते हैं जब हम अनेक अनेक आत्माओं के अनेक अनेक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की मदद करते हैं परमात्मा के साथ मिलकर के। क्योंकि परमात्माओं की जब मदद करते हैं तो विजडम, उनकी विजडम हमारे थ्रू निकलती है, हमारे मुख से निकलती है, और वो सबसे पहले कौन सुनता है उस विजडम को, हम स्वयं। तो आप जितनी आत्माओं की आप मदद करते हैं परमात्मा को याद करके परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, उतना ही हमारे अंदर विजडम होता है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। तो जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल अविनाशी फल जो फल है वो खाने वाला फल तो अलग है, और हमारे दुनिया भी कर्मों का फल तो हमें धन दौलत संपत्ति से मिलता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा से जुड़ने का जो फल है वो प्रभु फल है और वो कभी विनाश ना होने वाला फल है। धन दौलत संपत्ति संपत्ति जो भी है उस विनाश हो सकती है, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ फल ज्ञान कभी विनाश नहीं हो सकता। सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, और परमात्मा ही हमारे साथी संबंधी सखा साजन सजनी हर कोई है। अगर दुनिया वाले हमारे साजन सजनी सखा साथी हम अगर हमें खुश नहीं रख सकते हैं तो इसका मतलब परमात्मा ही एक स्रोत है जो हमें खुश रख सकता है, जो कि गुणों से भरपूर है, शांति से भरपूर है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है। आज की दुनिया में जो दोस्त हैं वो कभी दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन कभी दोस्त बन जाते हैं, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे ही अपना साथी बनाओ क्योंकि मैं कभी परिवर्तन नहीं होता हूं। वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं और फल तो सत्युग में भी मिलेंगे, है ना। जो हम अभी कर्म कर रहे हैं इस कलयुग में उसका फल तो हमें अच्छे कर्मों का फल तो सत्युग में मिलेगा ही और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा भी, सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। मतलब कि एक होता है कि हम किसी को जिस्मानी सेवा कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, कपड़े दे दिए किसी को, किसी को हमने धन दौलत बांट दी और वो आत्माएं धन्यवाद तो करती हैं, खुश हो जाती हैं थोड़े समय के लिए, उसके बाद फिर से उनको और चाहिए और चाहिए, और अगर नहीं दो ठीक से तो असंतुष्ट हो जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो प्रभु का जो फल है वो ऐसा फल है जिसमें कि अगर आप किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को परमात्मा से जोड़ देते हैं, उसके कई जन्मों के पापों को धुलने की या धोने की परमात्मा से जुड़ करके अगर आप उसको विद्या दे देते हैं, तो ये जो ज्ञान देने का जो फल है वो आपका सिर्फ एक जन्म नहीं अनेक जन्म चलता है आपके साथ में, क्योंकि वो आत्मा आपको अनेक अनेक जन्म आपको दुआएं देती है। ये फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या लेकिन हीरा बन जाते हो। हमारी जो बुद्धि लोहे जैसी बनी होती है जिसमें हम अपने ही जीवन में फंसे होते हैं, परमात्मा कहते हैं जब तुम और आत्माओं की सेवा करते हो मेरे ज्ञान को ही तुम उठा करके और को सुनाते हो, कुछ नया नहीं करते हो, मेरे ही ज्ञान को जो मैं तुम्हें मुरलियों में देता हूँ ज्ञान वो और को जब तुम सुनाते हो तो तुम्हारे बुद्धि के अंदर कुछ नई नई बातें आती हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है, तुम्हें तुम्हारे तीसरे नेत्र खुलना शुरू होता है, क्योंकि तुम हर एक आत्मा के अलग अलग सिचुएशन अलग अलग प्रॉब्लम्स के अनुसार तुम उनको उत्तर देते हो और वो भी मैं दिलवाता हूँ तुम्हारे द्वारा। तो जब हम परमात्मा का ज्ञान शेयर करते हैं उनके साथ में तो परमात्मा हमारा सहयोगी बन जाता है और उसका फल हमें स्वयं मिलता है, क्योंकि हमें बहुत सारी विजडम हमारे द्वारा जारी होती है, हमारी बुद्धि को टच करके जाती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तो हम ही क्या होते हैं लोहे से पारस बन जाते हैं लेकिन हीरा बन जाते हो। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है।
हमारे स्वयं के जीवन के जो विघ्न हैं उनको भी समाप्त कर देता है, और ये फल जो है ये वो सेवा करने का जो फल है वो ही विघ्न विनाशक फल है। आप भी इस ज्ञान को ले सकते हैं, आप भी अपने जीवन में विवेक को बढ़ा सकते हैं परमात्मा से जुड़ करके और की सच्ची सेवा करके। ओम शांति के साथ।